कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जहां पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, जिसको देखते हुए विश्व के हर देश, हर प्रदेश व हर जिला में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, वहीं हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत जोरसप्पड़ की प्रधान व युवक मंडल लंबोट के द्वारा भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत भवन, पटवारखाना, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, गाँवों की सड़कों व गलियों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। युवक मंडल लंबोट के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने युवक मंडल के सहयोग से ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपने गांव से कोरोना वायरस को भगाना है। देखो जी, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमने ये हमारा देश और पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी कि हमारा जो गाँव है इससे सुरक्षित रहे और इससे हमारे लोगों का, हमारे गांव वासियों का बचाव हो सके। इस महामारी, हम ये जो महामारी है यह हमारे गांव में ना आए, आ पाए, इसलिए हमने ये सैनिटाइजेशन करी पूरे गांव में। ये हमने अपने युवक मंडल लंबोट के सहयोग से किया हुआ है। और किसका सहयोग था इसमें? इसमें और किसी का सहयोग नहीं मिला, हमने अपने युवक मंडल लंबोट के सहयोग से किया हुआ है। ग्राम पंचायत जोरसप्पड़ की प्रधान सोमा देवी ने कहा कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत भवन, पटवारखाना, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, गांवों की सड़कों व गलियों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, ताकि कोरोना को यहाँ से भगाया जा सके। हम कोरोना वायरस से ऐसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जैसे मैं गांव में जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, राशन लेने आते हैं लोग, दुकानों में आते हैं, तो उनको हम यही बोल रहे हैं कि आप अपने घर पर रहो और अपने घर पर ही रह करके जो है कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और जैसे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तो हर टाइम थोड़ी देर के बाद हाथ धोना, हाथ धो के अंदर जाना, हाथ धोकर की खाना खाना, यही कोरोना वायरस से बचने के उपाय हैं। और घर से बाहर निकलना तो बीमारी से कभी भी बच नहीं सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज अपने अपने घरों में रहिए, और इसी का ये एक संदेश है कि तभी कोरोना से बच पाएंगे जो कि अपने अपने घरों में रहेंगे। जैसे कि मोदी जी ने सबको ये आगाह किया है कि अपने अपने घरों में रहिए, सब कुछ वहाँ पे ही उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि किसी को भी कोई जरूरत पड़ेगी तो उस चीज को हम वहीं पे उपलब्ध करवाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा करके उन्हें कोई भी है वो सामान पहुँचाएंगे। धन्यवाद। वहीं वार्ड सदस्य पवन देवी ने बताया कि सैनिटाइजेशन का काम गांव में किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें।